तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि ग्रन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 69। हमने परिच्छेद का कुछ पोर्शन पढ़ लिया था और एक स्थान पर हम रुक गए थे। श्री राम कृष्ण सुरेंद्र से बात कर रहे हैं। आप देखिए पृष्ठ 406। पृष्ठ जिनके पास पुस्तक है, मेरी पुस्तक के अनुसार पृष्ठ 406। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण एक परम भक्त थे, सुरेंद्रनाथ मित्र। सुरेंद्र राम आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण के पास आए हैं। यह है 24 दिसंबर 1883 और श्री रामकृष्ण कई बातें करते हैं। उसके बाद में सुरेंद्र ने एक प्रश्न किया था, अच्छा महाराज ध्यान क्यों नहीं होता? और मैंने यहां पर इस विषय को जानबूझकर छोड़ दिया था। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग गृहस्थ भक्त थे, काफी निकट के भक्त थे। उनको बंगाली भाषा में कहते हैं श्री रामकृष्ण के रसददार, केयर टेकर। श्री रामकृष्ण के केयर टेकर्स में जिन्होंने श्री रामकृष्ण की सेवा शुश्रूषा की, धन से उनकी सहायता इत्यादि की, उनमें सबसे पहला नाम आता है मथुरनाथ विश्वास का, मथुर बाबू के नाम से, जो श्री राम कृष्ण के साधना के समय उनकी सेवा शुश्रूषा वगैरह देखते रहे, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे, वो थे मथुरनाथ विश्वास। दूसरे उसके बाद में थे शंभु मल्लिक, पास में ही रहते थे, उन्होंने भी श्री राम कृष्ण की जो आवश्यकता होती थी उसको पूर्ण किया। तीसरे थे बलराम बोस। बलराम बोस का घर श्री राम कृष्ण को बहुत वहां पर ये अपने जगन्नाथ जी की सेवा पूजा होती थी, नित्य भोग लगता था, अत्यंत पवित्र अन्न था। श्री राम कृष्ण वहां पर जाते थे, रहते भी थे, रात को भी कई बार रहे हैं। तो वो श्री राम कृष्ण का बैठक खाना, श्री राम कृष्ण कहते हैं मेरा जैसे बैठक खाना है, वहां रह गए थे। उसके बाद में सुरेंद्रनाथ का नाम आता है, सुरेंद्रनाथ मित्र। इन्होंने पहले स्केप्टिक थे, ये विश्वास नहीं करते थे, श्री राम कृष्ण के पास जाना नहीं चाहते थे। रामचंद्र दत्त श्री राम कृष्ण के पास जाया करते थे और उनको कई बार कहा कि चलो मेरे साथ। क्या, अरे भाई तुम्हारा मार्ग अच्छा है, हमको कहाँ ले जाते हो? हम के धर्म वर्म हमको कुछ करना नहीं, जानना नहीं, तुम जाना चाहो जाओ, हमको क्यों ले जाते? इस तरह से वो टालते रहे। फिर एक बार वे कहा कि भाई मैं वहां पे मिसफिट रहूंगा, आप लोग हंस लोग हो, हम उसमें बीच में एक बगुला आ जाऊंगा, कैसे होगा? इस तरह उन्होंने थोड़ा सा किया, मथुर अपने उनको अच्छा नहीं लगा रामचंद्र दत्त को, फिर भी पीछे पड़े, अरे चलो ना एक बार तो चलो। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है चलता हूं, लेकिन एक बात बता दो, अगर तुम्हारी ये परमहंस अगर धूर्त निकले, यानी जैसे ढोंगी निकले, तो मैं उनके कान पकड़ लू, कान मोड़ दूंगा, कान खींच दूंगा, कैसे चलो। और जहां पर गए पहली भेंट में ही श्री राम कृष्ण ने उनको कान मोड़ दिए, कान मचोड़ दिए, उनके देख के ही वो अभिभूत हो गए, थोड़ी सी बातचीत की और उसमें भी अभिभूत हो गए। उसके बाद में वो उनके अत्यंत निकट के भक्त बन गए, उनकी जो भी व्यवस्था उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। श्री राम कृष्ण को कैंसर हुआ और जब वे काशीपुर बागान में आए, तब भक्तों ने कहा था, सब चंदा इकट्ठा किया था, चंदा इकट्ठा करके भक्त लोग उनकी देखते सेवा शुश्रूषा करते थे, तो सुरेंद्र सबसे अधिक पैसे देते थे, सुरेंद्र का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक था। और उसके बाद में जब श्री राम कृष्ण की महासमाधि हो गई और उसके बाद ये लोग अपने जो सन्यासी, जो भावी सन्यासी नरेंद्र राखाल लाटू, इनको रहने की कोई स्थान नहीं था, इधर उधर भटक रहे थे, तब श्री राम कृष्ण ने सुरेंद्र को दर्शन दिया,
भाव में दर्शन दे के कहा, अरे मेरे ये संतान लोग, मेरे ये जो शिष्य हैं, ये इधर उधर भटक रहे हैं, इनको इनको देखो ना। तब ये गए उनके पास में, उनको कहा कि भाई तुम लोग एक मकान लो, कहीं पे रहो, मैं उसका किराया, जितना खर्चा वर्चा है मैं सब मैं दूंगा। तो वरानगर मठ में ये लोग भिक्षा मांग के लेते थे और उनका जितना भी खर्चा है ये सब सुरेंद्र दिया करते। और मजेदार कहानियां भी हैं, श्री राम कृष्ण एक बार रसगुल्ला कहीं से आया होगा, मिठाई विठाई आई होगी। ये लोग तो फक्कड़ आदमी थे, भिक्षा मांग के रहते थे, कुछ खाने को नहीं। एक बार उसने मुंह में, श्री राम कृष्ण ने अपने, नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने मुंह में लिया और जय सुरेंद्र करके वो समाधि में हो गए। ऐसे बता मजाक किया उन्होंने सुरेंद्र को। जब महीना समाप्त होता, पैसे कम खत्म होने लग जाते तो याद करते कि अरे अभी महीना चालू होने वाला है, सुरेंद्र अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। और उसके बाद जब सुरेंद्र की मृत्यु हुई, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक अवस्था में थे, काशी में थे, जब उनको खबर मिली सुरेंद्र की मृत्यु के कारण बारे में, तो श्री राम बहुत दुखी हुए और प्रमदादास मित्र के पास में ठहरे हुए थे, बड़ा बड़े प्रकांड पंडित थे। और स्वामी विवेकानंद जब दुखी हुए, बहुत दुखी हुए वो, कि ये सुरेंद्र तो हम लोगों के मानो तारणहार कहिए, हमारी रक्षा की है उन्होंने, तो वे दुखी हुए। तो मथुरा प्रमदादास मित्र ने कहा था कि अरे आप तो सन्यासी हो, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम ऐसे सूखे सन्यासी नहीं हैं, उन्होंने हमारे लिए कितना किया। तो ये सुरेंद्र के बारे में मैं बता रहा था कि उन्होंने बहुत धन देकर, और श्री राम कृष्ण को अपने कमरे महंगा घर पे बुलाते थे, कभी कभी बुलाते थे, और जब बुलाते थे तो खूब खर्चा करते थे, उत्सव करते थे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे अरे इतना खर्चा मत कर। तो हंसते हुए कहते थे, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। भस्मीभूत प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें है कि जिस तक जब तक जियोगे यावत जीवत सुखम जीवित, जब तक जीवित रहो सुख से रहो, और क्या करो, ऋण लेके घी पियो। क्यों? अरे जब मर जाएंगे भस्मीभूत से देहस्य, उसके बाद कौन जन्म लेने वाला है, कर्जा करो, खाओ पियो, मजा करो, तब की तब देखी जाएगी। तो उन्होंने उसका इतना श्लोक थोड़ा किया, भक्तों के लिए, श्री राम कृष्ण के लिए खुले हाथ से वो खर्चा करते थे। तो ऐसे सुरेंद्र आए हैं श्री राम कृष्ण के पास, उनसे बातचीत कई होती रही है। श्री राम कृष्ण ने यह भी कहा, तुम्हारे योग भी है और भोग भी है। ब्रह्मर्षि जैसे सुखदेव, जिनके पास पुस्तक भी नहीं, राजर्षि जैसे जनक, राजा निष्काम कर्म भी करते हैं और संसार में यानी उनको बाकी भोग भी प्राप्त है, इत्यादि उन्होंने कहा था। अब सुरेंद्र ने एक प्रश्न किया था जब, जहां पर हमने बात छोड़ी थी, अच्छा महाराज ध्यान क्यों नहीं होता? आप लोगों के मन में प्रश्न आता है? कभी कभी आता है, हाँ? सीरियस नहीं आता, कभी पूछते नहीं, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी पुस्तक से ढूंढा क्यों नहीं होता ध्यान? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा महाराज ध्यान क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण ने उत्तर नहीं दिया है, लेकिन हम इस बात को पूरा देखेंगे, ध्यान क्यों नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, स्मरण मनन तो है ना? सुरेंद्र कहते हैं, जी हाँ, मामा कहता हुआ सो जाता हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छा है, स्मरण मनन रहने से ही हुआ। और उसके बाद आखिरी लाइन जो है वो बाद में देखेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि ध्यान क्यों नहीं, अच्छा महाराज ध्यान क्यों नहीं होता? हम जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए, मन इधर उधर भागता रहता है। सभी का है, याद रखिए, बुरा मत, ये मत समझिए कि ब्रह्मेशानंद इतने साल से मैं जप कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, दीक्षा मेरी करीब 40 साल पहले हुई, मेरा ध्यान अच्छा होता होगा। कभी होता है, कभी नहीं होता, ध्यान नहीं होता। ध्यान क्यों नहीं होता, ये बात
जो लोग साधक हैं उनको अच्छी तरह समझना चाहिए, जानना चाहिए ध्यान में बाधाएं क्या है, क्यों हमारा ध्यान नहीं। इसका एक उत्तर, सिंपल साधारण उत्तर तो यह है, भक्ति की दृष्टि से, कि हमारा हमारे इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति अनुराग नहीं, प्रेम या अनुराग नहीं है। मैं यदि यह कहूं कि एक मां, उसका बच्चा है 1 वर्ष का बच्चा, गोद में बच्चा है, क्या उसको बच्चे को का ध्यान करने की आवश्यकता होती है? उसको प्रयत्न करना पड़ता है? वो तो हमेशा ही ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक रूप उसका ध्यान बराबर बना हुआ है, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा उसी का ध्यान बन रहा है। उसका मन जो है वो 80% उस बच्चे में लगा हुआ है। तो भक्ति की दृष्टि से पहला उत्तर, सीधा स्पष्ट उत्तर है, भगवान में हमारा अनुराग नहीं है। अब इस अनुराग को ये बात सभी धर्मशास्त्र वाले, सभी पुराण, इतिहास, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र वाले हैं, भक्ति शास्त्र का वाले खास करके, वो सब जानते हैं कि अनुराग के बिना, अनुराग के कारण भगवान में मन नहीं लगता। और इसलिए उन्होंने बहुत सारे उपाय खोज निकाले हैं जिससे भगवान में रुचि हो, मन लगे। कैसे? पुराणिक कहानियां, श्री कृष्ण की लीलाएं और नटखट बालक की लीलाएं, कितनी लीलाएं भागवत में 1-2 चैप्टर में है, उसके ऊपर कितनी लीलाएं बना दी, कितने भजन बना दिए। सूरदास ने मैंने ही माखन खायो कर दिया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितनी शैतानी, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ऐसे बालक को बना दिया, अत्यंत रोचक बना दिया, उसको पढ़ते हैं आनंद आता है। और उसके बाद में बन मन उस बालक में, बाल गोपाल में लग जाता। ये सारा पुराणों का जो प्रयास है वो यही है कि किसी न किसी प्रकार से हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम, अनुराग, आकर्षण उत्पन्न हो। और हम लोग तो रामलीला करते रहते हैं, रामायण का पाठ करते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से भगवान में के प्रति अनुराग हो जाए। अनुराग हो गया कि बस फिर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ी ज्ञान की बात करें। भगवान में अनुराग तो नहीं है, लेकिन संसार में अनुराग, संसार के प्रति आकर्षण है। तो जब हम बैठते हैं तो जो हमारे राग द्वेष के जो केंद्र हैं उनकी तरफ मन जाता है। राग और द्वेष तो, जिसने मुझे चिंतित किया है, जिसने मुझको डिस्टर्ब किया है, जिसके कारण मैं दुखी हूं, उसकी तरफ भी मन जाता है। जहां पर द्वेष है वहां भी जाता है, और जहां राग है वहां तो जाता ही, जहां पर मन आसक्त है वहां तो जाता ही। ये राग द्वेष के कारण हमारा मन संसार में जा रहा। तो विचार की दृष्टि से ये एक बाधा है, मन ध्यान में क्यों नहीं लगता। पहला अनुराग नहीं है, दूसरा है संसार में अनुराग है, संसार में राग द्वेष है उसके लिए। इसीलिए दूसरा उपाय क्या बताते हैं? विचार करो। जब आप बैठे हैं, संसार का विचार आवे, राग द्वेष आवे, तो विचार करो। जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण आप चंचल हो गया मन, उसका विचार करो। अरे ये क्या है, ये तो अनित्य है, क्षणभंगुर है, इसमें सुख कहां, ये तो मन को चंचल करने वाला है, इससे अहंकार मेरा बढ़ेगा। श्री रामकृष्ण माँ शारदा के, माँ थी, उनके शरीर के संबंध में विचार करते हैं। कहते हैं ये शरीर अत्यंत भोग वस्तु है संसार के लोगों के लिए,
और तुझे ये प्राप्त है, धर्म से प्राप्त है, इसका भोग करेगा तो कोई अधर्म नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा। फिर मन को कहते हैं याद रख, लेकिन इसका भोग करेगा तो संसार में फंस जाएगा, भगवान में मन नहीं जाएगा। विचार कर, जिस भोग के लिए संसार के एक एक दृष्टांत दिया श्री रामकृष्ण ने, श्री रामकृष्ण और भी दृष्टांत है। रसगुल्ला श्री रामकृष्ण के पास आया, वो खाया और विचार किया, दुशाला ओढ़ा, ये हमारे आकर्षण के राग की वस्तुएं, दुशाला ओढ़ा और फिर विचार किया, इससे अहंकार बढ़ जाता है और उसको भगवान से मन हट जाता है, उसको निकाल दिया और उसके ऊपर थूका उसको कपड़े से। विचार के द्वारा ये राग द्वेष संसार के जिन वस्तुओं के कारण हमारा मन भगवान से विमुख होता है, ध्यान अच्छा नहीं होता, जिसके कारण विचार के द्वारा उसको दूर करना। पता नहीं हम लोगों में से हम लोग अधिकांश करते नहीं, बैठे हैं ध्यान हो रहा है, वही चीज आज से 5 साल पहले भी हमको डिस्टर्ब करती थी, वही बात आज से 5 साल पहले भी हमारे मन को विक्षिप्त करती थी ध्यान के समय, अभी भी विक्षिप्त करती है वही बात ध्यान के समय। हमने सोचा नहीं, देखा नहीं कहां मन जा रहा है, और उसके बाद जब हम बैठे ध्यान के समय तब कम से कम विचार करके कहना चाहिए, नहीं नहीं ये विचार अभी नहीं, ये अभी नहीं, ये ठीक है, ये विक्षेप करेगा, ये ठीक नहीं है, काम की बात नहीं। हमने संसार को इतना अधिक महत्व दे दिया, भगवान के बदले संसार को हमने बहुत अधिक महत्व दे दिया। इसलिए जिसको आप जिसमें महत्व बुद्धि हो जाएगी, मन उसी में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। आश्रम चलाना ये मेरे लिए महत्व की चीज हो गई, प्रवचन देना ये मेरे महत्व की चीज हो गई, पढ़ाई करना है, आर्टिकल लिखना है, और तब जब मैं ध्यान करने बैठूंगा, अरे आज तो लेख मेरे को प्रवचन करना है, वो बात मन में आ जाए। उस समय उसको काटना पड़ेगा, ठीक है वो होगा होगा, लेकिन अभी ध्यान के समय इसको हटाओ, ये नहीं, ये कुछ काट नहीं, खास बात है ध्यान। स्वामी तुरियानंद जी कहते थे, जब ध्यान करने बैठो तो एक नोटिस लगा दो, नो एडमिशन, मन के ऊपर एक नोटिस लगा दो, नो एडमिशन, पक्का नोटिस, अभी किसी को अलाउ नहीं है, कोई भी दूसरे बाहर के विचार अलाउ आने नहीं। अब उनके लिए कहना तो बड़ा आसान है, हम लोग करने से होगा क्या, करके देखा जा सकता है। विचार किया, पहले विचार करके देख लिया मन में सब जो विचार आए उनको विचार करके, नहीं नहीं ये सब हटाओ 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 हटाओ, और उसके बाद में नो एडमिशन का नोटिस लगा के बैठ जाए। तो विचार की दृष्टि से मैंने कहा कौन से हमारे विक्षेप होते हैं, क्यों होता है, और उसका एक उपाय बताया। जब हम केवल ध्यान या पातंजल योग सूत्र के अनुसार ध्यान की बात करते हैं, जिसमें है प्रत्यय एकतानता ध्यानम, एक ही विषय का निरंतर ध्यान बना रहे, एक ही चित्र का बराबर कंटिन्यूअसली निरंतर बिना ध्यान बना रहे, इधर उधर मन न जावे, इसको कहते हैं ध्यान। उसकी पहले भूमिका है धारणा, मन को एक स्थान पर तो लगाओ, कहते हैं हृदय में लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ, मन को किसी एक स्थान पर लगाना, फिर उसी स्थान पर अपने इष्ट का निरंतर चिंतन करते रहना। मैं जो गाइडेड मेडिटेशन में बोलता हूं, चित्र देखो, आंख बंद करो और वहीं पर उस चित्र को निरंतर ध्यान करते रहो, कितना कठिन हो जाता है आप लोग देखते हैं, एक छोटी सी चीज कठिन हो जाती है। और उसके बाद अंतिम स्थिति है समाधि। पातंजल योग के अनुसार तो धारणा ध्यान समाधि, इसको अंतरंग योग बोलते हैं, और उसके पहले के 5 और योग अंग हैं उनको बहिरंग योग बोलते हैं।
बहिरंग योग में क्या है, वो तैयारियां हैं, प्रिपरेशंस। बिना प्रिपरेशन, बिना तैयारी के आप कुछ नहीं कर सकते। हम आज जाके चलो क्रिकेट खेलेंगे तो आप खेल सकोगे क्या? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पता चला अभी तेंदुलकर इतने साल से 30-25-25-30 कितने वर्ष से खेल रहा है, और अभी कहीं उसको जाना चाहा, प्रोग्राम में था, कोई फेलिसिटेशन था, वो देर से पहुंचा, वो कह रहा था कि मैं क्षमा करिए, मैं प्रैक्टिस कर रहा। इस उम्र में वो प्रैक्टिस कर रहा। तो पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिस, और इन लोगों के जो गेम स्पोर्ट करते खेलते हैं, प्रैक्टिस के अतिरिक्त भी बहुत सारे अनुशासन है, खाने पीने के बारे में सावधानी रखनी पड़ती है, सब चीजों के बारे में सावधान रहना पड़ता है, बिना उसके नहीं होता। तो पतंजलि योग के अनुसार तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांच बहिरंग योग हैं। और बिना इसमें सिद्ध हुए, इसमें स्टेबल हुए, बिना प्रतिष्ठित हुए, बिना या किसी न किसी मात्रा में इनकी साधना किए बिना ध्यान में मन नहीं लग सकेगा। आजकल सब ध्यान में मेडिटेशन करवाइए, मेडिटेशन करवाइए। अरे बाबा, पहले बैठना तो सीखो। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि ध्यान कहाँ करना चाहिए, हृदय में करना चाहिए या बाहर, कौन से ठीक है? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हृदय में करना ही ठीक है, लेकिन पहले ध्यान बैठना तो सीखो। बैठ तो सकते नहीं है, और ध्यान करें 5 मिनट बैठेंगे और मन हाथ पैर छटपट करने लग जाए, चंचल कितने, बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास तो पहले करो 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे भर। ये जो आजकल आसन, आपको सब जगह आसन बड़ा प्रचलित हो गए ना, पतंजलि योग सूत्र में केवल स्थिर सुखम आसनम एक सूत्र है बस, और उसके बाद उसका परिणाम क्या है वो कहा बस, वहां विस्तार नहीं है। ये आसनों का उद्देश्य क्या है? आसनों का उद्देश्य यह है कि शरीर ऐसा सज जावे कि यह ध्यान में व्यवधान न बने, बाधा न बने, एक स्थान पर व्यक्ति आसानी से बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सके। इसके लिए ये पराने आसन, वज्रासन और सुखासन और मयूरासन और जो भी है, ये शरीर को थोड़ा साधने के लिए, अधिक नहीं, थोड़ा। प्राणायाम, प्राणायाम, प्राण जो हमारा है वो चंचल है, थोड़ी सी चिंता हुई कि देखेंगे प्राण जो है वो छटपट करता है, हमारा सांस जो है वो इरेगुलर हो जाती है, जब बहुत चिंता हुई, बहुत ज्यादा टेंशन होगा तो इरेगुलर हो जाए, इसलिए प्राणायाम, जिससे प्राण के कारण मन चंचल न होवे। प्रत्याहार, प्रत्याहार इंद्रियों को विषयों से हटा देना। अब बाहर जा रहे हैं इंद्रियां, बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फोन आ रहा है, तो फिर ध्यान होगा क्या? हो हल्ला हो रहा है तो ध्यान होगा क्या? आंख भले बंद कर लिया जाए लेकिन नहीं होता। तो प्रत्याहार, इंद्रियां जब बाहर जा रही है उनको खींचना, ये 3 हुई। उसके पहले 2 यम और नियम, इनको महत्व नहीं दिया जाता। मैं 2 अक्टूबर को, मैंने पता है बताया कि नहीं पता, मैं 2 अक्टूबर को यहां पे भारतीय योग संस्थान की ब्रांच है और वो लोग योग की करते हैं, योग इत्यादि करते हैं, तो इस सारे अंचल के, पंजाब के आसपास के, या पटियाला वगैरह के, अजमेर के जितने रेलीगेट्स हैं, उनका एक 2 अक्टूबर का उनका वार्षिक दिवस होता है, स्वामी महात्मा गांधी का जन्मदिन को वार्षिक दिवस पे उन्होंने एक कार्यक्रम किया, मुझे चीफ गेस्ट होके बुलाया, 400 लोग आए थे, वो लेटे, वो उन्होंने आसन किए, प्राणायाम कुछ किए, जो बताया था गाइडेंस के अनुसार किए। और मैंने पूछा क्या बताऊं, कि स्वामी जी यम नियम के बारे में बताइए, कि आसन प्राणायाम तो ये लोग करते हैं, थोड़ा हम लोग छोटा मोटा ध्यान भी करा देते हैं, लेकिन यम नियम के बारे में बताइए। यम नियम क्या है? मॉरल वैल्यूज, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5। और इसको अगर आप डिसरिगार्ड करेंगे, इसको अगर महत्व नहीं देंगे, तो याद रखिए ध्यान नहीं होगा।
ये मन की चंचलता का कारण बनेगा। शरीर, प्राण और इंद्रिय के लिए तो तीन चीज बता दी, लेकिन मॉरल वैल्यूज, नैतिक आदर्श भी महत्वपूर्ण है, बिना उसके आदमी ध्यान में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देखेंगे कि श्री राम कृष्ण इनको बहुत महत्व, श्री राम कृष्ण तो इन सब में प्रतिष्ठित थे, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा इत्यादि में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे। और अपने शिष्यों को भी उन्होंने, जब संन्यास की बात कहते हैं तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। जैन धर्म में तो इनको महाव्रत कहा जाता है सन्यासी के लिए, और जो गृहस्थ है वो अनुव्रत, थोड़ा बहुत तो करो बाबा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, थोड़ी जितनी मात्रा में कर सको उतना करो, लेकिन करना पड़ेगा। नैतिक मूल्यों को स्वीकार न करके कोई समझो कि ध्यान कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। अगर किया भी उसने, ज्यादा जल्दबाजी की, तेजी से किया, तो मैं बताता हूं जैसा कहता हूं, या तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, और अगर वो सफल हो गया तो आसुरी वृत्ति हो जाएगी। रावण बड़ा योगी था, मन की त्रिमिंड बहुत बड़ी एकाग्रता थी उसमें, लेकिन परिणाम क्या हुआ, जगत का आकर गया। तो ठीक ध्यान होने के कारण के लिए ये बातें, या तो हमारा शरीर चंचल है, या प्राण ठीक नहीं है, इंद्रियों पर संयम हमारा पूरा नहीं हो चुका हुआ है, या फिर यम नियम हम ठीक से पालन नहीं कर रहे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पांच नियम आ जाते हैं, पवित्रता, अंदर बाहर की पवित्रता। अपवित्र मन से ध्यान नहीं हो सकता, अपवित्र मन चंचल मन, पवित्रता, संतोष, किसी न किसी प्रकार का संतोष, हमेशा अगर इच्छाएं भरी हुई हैं, बार बार मन असंतुष्ट है, किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, तो कैसे ध्यान करें। तपस्या, तितिक्षा, एक स्थान पर बैठे हैं और पंखा नहीं है, अब नहीं कर सकते ध्यान, एसी में बैठकर ध्यान करने की आदत हो गई है, तब दूसरे की नहीं ध्यान कर सकते। तितिक्षा का उद्देश्य भी यही है, तितिक्षा सहनशीलता, कि भाई जैसी भी परिस्थिति हो उसको स्वीकार करके उसमें अपने मन को लगाना, और उसके बाद में है तितिक्षा, उसके बाद और है ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, भगवत के, भगवान के प्रति शरणागति का भाव। ये तितिक्षा का भाव जैनों में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक पुस्तक अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी, जैन पुराण, एक बहुत प्रसिद्ध पुराण है, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, और उसमें भगवान महावीर के बारे में बताया गया। जैन तीर्थंकर महावीर एक आसन पर, एक स्थान पर खड़े ध्यान कर रहे हैं, खड़े हुए ध्यान कर रहे हैं, और बताया गया है कि उनको विचलित करने के लिए देवताओं ने, कुछ देवता विशेष ने खूब प्रयत्न किया, सभी प्रकार से, पहले उनको प्रलोभन दिखाने का प्रयत्न किया, संगीत का प्रलोभन, स्त्रियों का प्रलोभन, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उसके बाद में वर्षा, जानवर छोड़े, सांप छोड़े, बिच्छू छोड़े, लेकिन वो बिल्कुल विचलित नहीं। तितिक्षा एक दृष्टांत है, वो तो एक इसे कह सकते हैं कि एक आदर्श है, इतना न करें, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा तो होना चाहिए कि बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पंखा चला गया, मच्छर आ गया, तो हम विचलित हो गए, ऐसे ध्यान अच्छा नहीं हो सकता। ये बहुत सारे कारण, जैसे मैंने कहा ध्यान क्यों नहीं होता, ये बहुत सारे कारण। और आप देखेंगे श्री रामकृष्ण वचनामृत में ध्यान के बारे में अधिक बातें नहीं लिखी गई, ध्यान के बारे में इससे ज्यादा तो मेरी पुस्तक, मैंने आनंद की खोज में एक लिखा है, श्री राम खोज लीजिए आप, श्री रामकृष्ण कहते हैं ध्यान करो मने बने कोने, मन में करो, बन में करो और कोने में करो, एक एक स्थान विशेष में जाकर, वहां जाकर मन ध्यान करो। और फिर निराकार ध्यान कैसे होता है वो बता दिया,
कि आकाश है, सोचो कि एक पक्षी उड़ रहा है, तुम्हारी आत्मा है वो सच्चिदानंद में उड़ रही है, या फिर एक समुद्र है और उसमें तुम्हारा आत्मा जो है वो मीन मछली की तरह उड़ रही, ऐसे ऐसे कुछ करके बना। लेकिन इसके अतिरिक्त ध्यान का विस्तार श्री रामकृष्ण ने नहीं किया वचना में। इतना बड़ा ग्रंथ, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ आजकल के युग का है कि श्रुति, उसमें श्री रामकृष्ण ध्यान के बारे में बात नहीं करते। बात करते थे अपने अंतरंग शिष्यों से, जो उनके पास आते थे, एकांत में आते थे, उनसे बात करते थे, ध्यान करते, वहां जाके बैठो, वो तुम जाओ, तुम वो पंचवटी में जाओ, उसको बोलते तुम वो बेल तले में जाओ, तुमको विष्णु मंदिर में जाओ, तुम यहाँ शिव मंदिर में जाके बैठो, सबको अलग अलग स्थान पर बिठा बता देते, इंस्ट्रक्शन देते थे ऐसे ध्यान करो। वे जाके देखते थे ध्यान हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हो रहा है वहां जाके सीधे बैठो, सीधे बैठने आसन आसन ठीक करते थे ध्यान का। क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है ध्यान, आके बोलते कुछ ध्यान नहीं होता, एक ने आके बोला ध्यान। श्री राम कृष्ण, अच्छा तेरे मन में एक बाधा। श्री राम कृष्ण पता लगा लेते थे मन में कौन सी बाधा। अच्छा जीभ निकाल, जीभ पे कुछ लिख दिया, बाधा दूर हो गई। और कई बार पारिवारिक विचारों के चिंतन के बारे में बाधा आ जाती थी, कई प्रकार की बाधाएं। लाटू महाराज ध्यान कर रहे हैं, पूर्व संस्कार, बचपन के संस्कार तो गांव में पले वो आ रहे हैं मन में। देखिए ये समस्या, हमारे पूर्व जन्म जन्म जन्मांतर के संसार बढ़े हुए हैं, जब ध्यान करते हैं तो वो सब मथ जाते हैं, वो हमारे मन के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो ध्यान करता है ये समस्या उत्पन्न होती है। तो मैंने संक्षेप में ध्यान में क्या बाधाएं हैं, ध्यान अच्छा क्यों नहीं होता, इसके बारे में मैंने आपको बताया, कुछ उपाय भी बताए। ठीक ठीक ध्यान करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, सारा जीवन सुबह से शाम तक आपका संयत होना चाहिए। आप वाणी कैसे बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, किन लोगों से बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये सारी की सारी बातें ठीक होनी चाहिए, तब तो ध्यान होगा। विक्षिप्त वातावरण में रहें, उसका प्रभाव पड़ता है मन पर, और उसके बाद में जब आप ध्यान में बैठेंगे तो वही बातें मन में आएंगी। इसलिए उपाय कई हैं, बैठने के पहले मुंह हाथ धो लिया, थोड़ा सा अगरबत्ती जला दिया, एटमॉस्फेयर बना दिया, गीता श्री राम कृष्ण वचनामृत ध्यान संबंधी बातें उनको सुन लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, और उसके बाद में ध्यान बैठे तो वो चीज़ें जो है वो सब थोड़ी सी साफ हो जाए। लेकिन आप देखेंगे अगर सारे दिन अगर आप व्यस्त रहे तो शाम को फिर ध्यान अच्छा नहीं। इसलिए कहते हैं सुबह के समय ध्यान, जब रात को उठें सुबह, वहां भी समस्या, ध्यान अच्छा क्यों नहीं होता। एक दूसरी पर ये तो मैंने विक्षेप की बात कही, लेकिन दूसरी समस्या होती है लय। ध्यान करने बैठे नींद आ रही, बहुत स्वाभाविक एक समस्या है, ध्यान करने बैठते हैं नींद आ जाती, आने लग जाती। ब्रह्मानंद जी कहते हैं ऐसे में आंख खोल के जप करो, ये तो नींद आ जाएगी, या फिर थोड़ा फिर चल फिर लो, फिर जाके बैठ जाओ। सुबह के समय जैसा मैंने कहा, अगर आदत नहीं हो तो सुबह के समय ध्यान, विक्षेप तो नहीं है बाहरी, लेकिन लय हो जाता है ध्यान। शाम के समय सारा दिन काम किया, अब बैठे ध्यान, ध्यान नहीं हो पा रहा, मन विक्षिप्त हो गया। मुझे तो अच्छी तरह स्मरण है, अभी यहाँ पे तो खैर बनारस में जब था तो जिस दिन आउटडोर हुआ करता था, 3 दिन सप्ताह में 3 दिन ऐसे डॉक्टर आउटडोर में बैठता था, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक या 12:30 तक कंटिन्यूस काम करते थे उस दिन। उस दिन ध्यान अच्छा नहीं होता था वो, चाहे हम सोचें कि ये भगवान है तो भी होता तो नहीं है, उस समय तो सारे कई चीजें सोचते रहते हैं, मन दूसरे प्रकार से चंचल हो जाता है। इसीलिए जो साधक हैं उनको बड़ा सावधान रहना पड़ता है, संसार को सदा अचानक त्याग तो नहीं सकते। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से अपने को बचा कर रखना, ये बात बहुत महत्व की है।
तो ये हुआ ध्यान क्यों नहीं होता, ये हमने देखा। और ध्यान को करने के थोड़े से हिंट्स देखे कैसे करना। लेकिन श्री रामकृष्ण एक दूसरा उत्तर देते हैं, स्मरण मनन तो है ना, ये ध्यान और स्मरण मनन में श्री रामकृष्ण ने अंतर किया। ध्यान क्या है, जैसे मैंने कहा प्रत्यय एकतानता ध्यानम, एक इष्ट है अपने, उसका रूप है, बस उसी में मन को लगा लो, ये बड़ा कठिन होगा, मन भागेगा, चंचल है। इसके लिए श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, स्मरण मनन। स्मरण हम समझते हैं स्मृति, स्मरण याद करना, जो हमने पढ़ा है श्री रामकृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में जो भी कुछ बातें पढ़ी हुई हैं उनको याद करिए, चलते फिरते उठते बैठते भगवान की लीला का चिंतन कीजिए, मन को किसी न किसी प्रकार से भगवान में लगाए रखिए, यह है स्मरण। जो हमने पढ़ा है वचनामृत पढ़ा है, भागवत पढ़ा है, रामायण रामचरित मानस पढ़ा है, उसको आप याद करिए, उसकी घटनाओं को याद करिए, वो ध्यान नहीं, थोड़ा सा ध्यान से भिन्न हो गया, उसकी कोई बात नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं वो तो बना हुआ है, संसार में तो मन नहीं लगा, भगवान में किसी न किसी प्रकार से लगा, भले ही एक स्थान पर नहीं लगा, भगवान से संबंधित बहुत सारी बातों के साथ लगा हुआ, स्मरण बना रहा। दूसरा बोला मनन, ये बातें दोनों जो है ना, स्मरण मनन एक साथ बोलते हैं, मैं थोड़ा सा व्याख्या के लिए थोड़ा सा उसको बढ़ा रहा हूं, स्मरण मनन बोलने से ही हो गया, सर पूछा जाए, किसी न किसी प्रकार से अपने मन को बनाए रखना। स्वामी ब्रह्मानंद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उनके एक शिष्य स्वामी विशुद्धानंद जी, मां शारदा के शिष्य थे वैसे, लेकिन उनके सेवक थे, उनसे ब्रह्मानंद जी अचानक कहते हैं, अरे शिष्य तुल्य है समझिए, कि हमेशा भगवान को याद रखना, भगवान को सब समय याद रखो। फिर ब्रह्मानंद जी धीरे से कहते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूं, अच्छा लगता है ना, इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं मैं भी ऐसा। उनकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी में भिन्नता होगी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सब समय भगवान को याद रखना, यह बात। एक मैंने बताया होगा आपको, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय ब्रदर लॉरेंस, एक छोटी सी पुस्तक, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान के सानिध्य का अभ्यास, और मैंने वो मेरी आनंद की खोज है उसमें भी एक छोटा सा चैप्टर है उसके अंदर, भगवान को किसी न किसी प्रकार से याद रखना। आप चलें सोचें कि भगवान मेरे साथ में है, एक चित्र रख लिया सोचो कि भगवान उसमें है, लॉकेट लगा लिया उससे मन में लगा कि भगवान मेरे पास में है, भजन गाते रहे और सोचा कि भगवान मेरे पास में है, खाना बनाते रहे तो गाते रहे ये सोचा कि भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान हमारे पास में है। ऐसे संत हो गए हैं, वो भी कुछ काम कर रहे हैं, ये सेंट ब्रदर लॉरेंस भी खाना बना रहे हैं, काम करते हैं, किचन में काम कर रहे थे, कहा कि तुमको जाना है, बाहर जाना है, मार्केट जाना पड़ेगा, ठीक है, भगवान से कहते हैं मनी मन, गॉड वी हैव टू गो आउट, जीसस वी हैव टू गो आउट, हमको जाना है, साथ में चलो। एक दूसरी सन्यासिनी की भी एक जीवनी पढ़ी, उसमें भी इस तरह का, वो मानो भगवान को अपने साथ हैं रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हुआ स्मरण। मनन, मनन दूसरी चीज है, मनन है मन की प्रक्रिया, विचार की प्रक्रिया। वेदांत में कहते हैं क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो बात आप सुन रहे हैं वो हुआ श्रवण। ए वन वे ट्रैफिक, बात चली गई आपके पास, घर पर जाकर उस पर विचार करना, क्या बात कही, क्या ठीक कही स्वामी जी ने, बात कही कैसे करना, उसको करने का प्रयत्न करना, देखें क्या समस्या आती कि नहीं आती। मनन, जो सुना है उसको मनन, वेदांत में तो मनन के बहुत सारे, श्रवण के बाद मनन में षड्विध, छह प्रकार के लिंगों के साथ में मनन करना है, वो सब उसके बाद छोड़ दीजिए। मनन का अर्थ है कि जो हमने सुना है उस पर बार बार विचार करना, विभिन्न प्रकार से विचार करना, अपने ढंग से विचार करना। मैंने एक तरह से आपसे बात की, आप दूसरे ढंग से उसे विचार कीजिए।
ऑफ कोर्स शास्त्रीय मनन में तो उसके नियम है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो क्या हुआ, स्मरण से थोड़ा सा भिन्न हुआ, हुआ कि नहीं? स्मरण में एक प्रकार से हुआ, जो बात पहले सुनी थी वैसे कैसे हम रिपीट कर रहे हैं, मनन में उस पर थोड़ी सी गहराई से विचार किया गया। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ध्यान न भी होवे लेकिन सदा सर्वदा एक श्रवण मनन बनाए रखो। श्रवण मनन बनाए रखने से भी मन भगवान में लगता रहेगा। सुरेंद्र इसके ऊपर उत्तर में कहते हैं जी हां, मामा कहता हुआ सो जाता हूं। अब ये एक और प्रक्रिया जिस पर श्री राम कृष्ण कहते हैं बहुत अच्छा है, स्मरण मनन रहने से ही हुआ। एक स्मरण मनन का एक दृष्टांत सुरेंद्र कहते हैं कि मैं रात को जब सोता हूं तो मामा, माँ जगदम्बा, जगदम्बा काली दुर्गा जो भी आप कहिए, माँ माँ कहता हुआ सो जाता हूं। भगवान का नाम लेते हुए सो जाना, भगवान का शास्त्र गीता भागवत श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते पढ़ते सो जाना। मैंने कहा है ना कई बार आपको, कहा कैसेट लगा लो, भगवान का भजन है जो भी हो, राम धुन है, उसको सुनते सुनते सो जाइए। इससे क्या होगा, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है, अनकॉन्शियस मन पर, सबकॉन्शियस माइंड में, भगवान अचेतन मन में इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि रात के समय हमारा अचेतन मन काम करता है, चेतन मन सो जाता है, और ये बातें अचेतन मन में जब सोते सोते हम सुनते हुए सोते हैं तो वो अचेतन मन में काम करती रहती। मैंने सुना है कि जो लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मन जिनका विकसित नहीं होता है, उनको आप ट्रेनिंग देते हैं तो वो कॉन्शियस ट्रेनिंग से वो क ख ग घ या गिनती वगैरह ये सब नहीं समझ पाते। तो इन लोगों को लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि सोते समय रात के समय उनको सुनाते हैं, रात के समय जो भी लेसन देना है वो कैसेट के द्वारा या किसके द्वारा उसको सुना दिया जाता है, तो वो क्या है, अचेतन मन में चला जाता है और उसका प्रभाव पड़ता है। हिप्नोसिस आपने सुना होगा, सम्मोहन, उसकी प्रक्रिया क्या है, आप सो लेट जाइए, उसके बाद में वो कहता जाता है जो भी कहना हो, उसको आपको नींद आ जाएगी, लेकिन वो क्या किया, नींद में बोलता है आपको बीमारी नहीं है, सोए हैं हम, नींद आ गई, आपको बीमारी नहीं है, आपको दर्द है ही नहीं। और परिणाम क्या होता है, व्यक्ति को अगर दर्द होता है तो दर्द चला जाता है, क्यों, अचेतन मन में वह बात चली गई और अचेतन मन के द्वारा उसने सारे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित किया। इसलिए रात को सोते समय, रात का समय बहुत महत्व का, सोने के समय का समय बहुत महत्व का, ये याद रखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, याद रखिए। तो श्री रामकृष्ण कहे वो कहते हैं जी हाँ, मामा करता हुआ सो जाता हूं, बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये बहुत अच्छा है, स्मरण मनन रहने से ही हुआ। अंत में मास्टर महाशय एक कमेंट करते हैं, अंत में जो ये बात हो गई सुरेंद्र श्री रामकृष्ण और की वार्तालाप, छोटा सा वार्तालाप हो गया, अब श्री रामकृष्ण के सुरेंद्र के संबंध में मास्टर महाशय एक कमेंट करते हैं, एक टिप्पणी करते हैं, श्री राम कृष्ण ने सुरेंद्र का भार ले लिया है, अब उन्हें चिंता किस बात की। श्री राम कृष्ण ने जिन लोगों को दीक्षा दी थी, सुरेंद्र की दीक्षा हुई थी, मैं पुस्तक वैसे लाया भी था सुरेंद्र के संबंध में बताने की बात, वो एक बार आए, उसके बाद में वो श्री राम कृष्ण के लिए सब किया, श्री राम कृष्ण ने उन्हें एक बार उसके बाद मंत्र दीक्षा भी दी। श्री राम कृष्ण जैसे सदगुरु के अवतारी, सदगुरु का कोई अगर शिष्य हुए तो उसका तो उद्धार हो ही गया, उसका तो भार श्री राम कृष्ण ने मानो ले ही लिया, वो कुछ करे ना करे, वो साधना करे, वो अपनी दुर्बलता बता रहा है कि ध्यान अच्छा नहीं होता, मैं स्मरण मरण करता हूं, श्री राम कृष्ण कहते हैं कोई बात। श्री राम कृष्ण ने अपने सन्यासी शिष्यों को, उनको भी दीक्षा दी थी, उनका भी भार लिया था, लेकिन उनको उन्होंने सीवियर ट्रेनिंग दी थी, खूब ट्रेनिंग, क्यों, क्योंकि उन लोगों को दूसरों का भार लेना पड़े,
उनको वे अपने इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं कि जिससे वे दूसरों का भार ले सके, अपने स्वयं सबल बन सके, इतने सबल बन सके। तो उनको तो उन्होंने श्री रामकृष्ण ने खूब ट्रेनिंग दी थी, खूब अत्यंत कठिन तपस्या करवाई। स्वामी ब्रह्मानंद जी से एक बार जब पूछा कि आप तो श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य वो हैं, आप श्री रामकृष्ण के मानव मानस पुत्र हैं, आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, आपको तो सब श्री रामकृष्ण की कृपा से प्राप्त है। तब उन्होंने यही कहा था कि जो मुझे प्राप्त है उसे मैं अपना बनाना चाहता हूं, उसको मैं आत्मसात करना चाहता हूं, मेरे अंग, मेरे मेरे मन का, मेरे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाए, और फिर ये ही व्यक्ति दूसरों के भार लेने के अधिकारी बन गए। उनकी बात, लेकिन दूसरों की बात श्री राम कृष्ण अपने मास्टर महाशय कहते हैं कि गृहस्थ लोगों के, श्री राम कृष्ण ने उन लोगों का, गृहस्थों का भार अपने आप ले लिया था अपने ऊपर, उनको दीक्षा दे दुआ के बहुत सारे लोगों का उन्होंने उद्धार किया था। यह कहकर यहाँ पर यह बात समाप्त होती है। अभी आरती का समय हो गया है, हम यही इसको समाप्त करेंगे, अगली बार इसके आगे की चर्चा करेंगे।